कि ये इंग्लैंड में सेंसस हो रहे हैं 1 मार्च से, और सेंसस में हर आदमी को अपनी डिटेल भी बतानी है कि आपकी एथनिसिटी क्या है और आपका रिलीजन क्या है। तो जिस तरह अभी बाइडेन के इलेक्शन में अमेरिका के हिंदुओं ने अपने नेशनल भारत के इंटरेस्ट से हट के फैसले किए थे, आज इंग्लैंड में क्या हो रहा है पता है आपको? कई ऐसे हिंदू ग्रुप्स को कन्विंस किया जा रहा है कि आप सेक्युलर हो, इसलिए आप उसमें अपने आप को सेक्युलर लिखना, हिंदू ना लिखना, आप उसमें आपको अपना यूनिवर्सल सिटीजन लिखो, हिंदू ना लिखो। अरे बदबख्तों, साजिश को नहीं समझते, किसी एक इंग्लैंड के मुसलमान को यह कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि तुम अपना मजहब इस्लाम ना लिखो या लिखो, उसको कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, वो लिखेगा उधर इस्लाम, एक लम्हा नहीं सोचेगा कि मैं सेक्युलर लिखूं या फलान लिखूं या ढुमकान लिखूं। इवन जावेद अख्तर जैसे सो कॉल्ड एथेइस्ट भी जो यहां रह रहे हैं वो भी लिखेंगे इस्लाम। आपको किसी सिख को यह कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सेक्युलर लिखो, वो सिखिज्म अपना धर्म लिखेगा। आपको साउथ एशिया के किसी क्रिश्चियन को यह बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम सेक्युलर लिखो या क्रिश्चियन लिखो, वो क्रिश्चियनिटी ही लिखेगा। एक बदबख्त ये हिंदू है जो सेक्युलरिज्म को खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए वो अक्सर एक मूवमेंट चली हुई है इधर। और मैं हाथ जोड़ के हिंदू ऑफ इंग्लैंड से रिक्वेस्ट करता हूं कि साजिश को समझें कि जो स्टेट की रिलीजियस अफेयर्स के फंड एलोकेशन होती है ना, वो आपकी रिलीजियस पॉपुलेशन के हिसाब से होती है कि किस मंदिर को कितना पैसा है या किस इलाके में कितने मंदिर, ये सब चीज़ें उन चीज़ों पे उस पर डिपेंड करता है कि आपके उस रिलीजन के लोगों की पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन आप लिखोगे सेक्युलर तो हिंदू की तादाद कम होती जाएगी। इस्लाम यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन बना हुआ है। सिंकर थे और गुरु गोविंद सिंह जी, सेंट स्कॉलर वॉरियर पोएट, लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। पांच प्यारे सुना होगा आपने, उनके पांच प्यारे, पर आप जो नहीं जानते कि वो पांच प्यारे कौन थे, वो आनंदपुर साहब में बकरे के सर काट के तलवार में खून लगा हुआ है, आए और बोले मुझे सर चाहिए, कौन सिर देने को तैयार है। पहला एक आदमी उठा, उसको पीछे ले गए, फिर आए तलवार पे खून लगा हुआ है। दूसरा, पहला कौन था? पहला उड़िया था, जगन्नाथपुरी का। दूसरा आंध्रा का था, बरार का। तीसरा गुजराती था। चौथा मेरठ का जाट था। और पांचवा हमारी कम्युनिटी का, पंजाब का था, भल्ला। पांच थे प्यारे। पूरे देश से दुखी आत्माएं इकट्ठी हुई हुई थी, क्योंकि बहुत वो ऑपरेशन था हिंदू कम्युनिटी, तो वो वहां थे। तो ये उनके पांच प्यारे थे। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह ने जो काशी विश्वनाथ वाराणसी जो गए हो आप, उसके ऊपर जो सोना चढ़ा हुआ है ना, वो जो आजकल काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो अहल्याबाई होलकर ने बनवाया था, और जो उसके ऊपर सोना चढ़ा हुआ है वो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी विल में कोहिनूर का हीरा जगन्नाथ मंदिर के लिए छोड़ा। क्यों? क्योंकि पहला जो फॉलोअर था गुरु गोविंद सिंह जी का, वो जगन्नाथपुरी का उड़िया था। और सबसे बड़ी बात, महाराजा रणजीत सिंह ने जब शाह जमान को हराया अफगानिस्तान के, 800 साल बाद हिंदुस्तान के एक रूलर ने इन्वेजन की धारा पलट दी। उधर से हमले होते थे, महाराजा रणजीत सिंह ने हमला किया अफगानिस्तान पर और शाह जमान को हराया, और 4 टर्म्स की एग्रीमेंट हुई। पहली पता शर्त क्या थी? कि सोमनाथ के गेट वापस करो। अब सोमनाथ के गेट गजनी 1024 में लेके गया था, और ये 1805 में ये 20 साल का लड़का अपना रणजीत सिंह, वो उसको कह रहा सोमनाथ के गेट वापस करो, और गेट वापस आए, उसकी चांदी उतरी हुई थी, गजनी की मॉस्क में लगे थे, वो वापस आए, वो आजकल दरबार साहब में दर्शनी ड्योढ़ी पे लगे हुए हैं, क्योंकि तब सोमनाथ का मंदिर नहीं था, वहां लगे हुए हैं। ये है परंपरा। और महाराजा रणजीत सिंह ने तो JNU से हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, वो भी अनपढ़ थे, उनको 800 साल पुरानी बात ये उन्होंने। और हमारे लोग पूछते हैं इज इंडिया ए नेशन, है ना, इज इंडिया ए नेशन, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के कॉन्टेक्स्ट में आया। और इनकी पोएम हमने बड़ी ब्यूटीफुल जो ली है मित्र पे। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। Today I want to share an interesting thing with you all. Our ancestors used to tell us that when we go to the temple, we are actually supposed to sit down for a few minutes before we leave the temple premise.
This age-old tradition has a small prarthana attached to it. And when I recently learnt about it, I felt like sharing it with you all. It says, Anayasena maranam, vina dainyena jivanam, dehante tava sanidhyam, dehi me parameshwaram. So when you enter the temple, fold your hands, but keep your eyes open and let the mind capture the darshan. Then when you sit outside and close your eyes, visualize the deity whom you just visited and then ask him, Anayasena maranam, give me death without pain, vina taklif ki mrityu, vina deinyena jivanam, grant me a life where I am not dependent on anyone. Let nobody have to help me sit up or lie down or feed me. Let me not be parvash. Dehante tava sanidhyam. And when mrityu aaye, tab sirf tumhara hi darshan ho. Dehi me parmeshwaram. Hey Prabhu, please grant me these three wishes. This is a prarthana. Arthana means request and prarthana means prakrushta request. Uttam or the best request. Here you are not asking for wealth or son or daughter or property or fame. You are making an extremely special divine request. So whenever you visit the temple, do remember this. Today in Tiruvananthapuram, Kerala, we had the pleasure of meeting the Adarniya Governor Shri Arif Muhammad Khan of Kerala for the contribution to the Shri Ram Janmabhoomi Mandir at Ayodhya. While offering his samarpan for the Shri Ram Janmabhoomi Mandir, he said two very important things, that everybody should connect with this Abhiyan of Shri Ram Janmabhoomi because it is a matter of national importance. And secondly, other than the samarpan, association with this topic is very, very important. Milind Parande, Mahamantri Vishnu. Namo Namo Shankara, Bhole Nath Shankara, Jayati Loka Nath Shankure Shivaya Shankara. Matram! Vande! Matram! Vande! Matram! Vande! Matram! Vande! Matram! जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम जलंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 मन्निनाद वट्ट मर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम जटागता संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.